आमिर खान से मुलाकात हुई हज पर इस दफा, अल्लाह उसको जजाए खैर दे। अपनी माँ को हज कराने आया हुआ था, he had come to, मैं मौलवी तारिक जमील साहब शाहिद अफरीदी हम उसको दावत देने गए। तो अल्लाह ने उस नौजवान में बहुत खैर रखी है, बहुत खैर थी उसके अंदर, बहुत खैर थी उस नौजवान में। अल्लाह ब्लेस हिम, मे अल्लाह एक्सेप्ट हिम। सो आउट ऑफ ऑल ऑफ अस मौलवी तारिक जमील साहब वाज द मोस्ट कंसर्न्ड टू मीट हिम। ही सेज आई हैव टू मीट दिस बॉय, आई हैव टू मीट दिस बॉय, और मुझे इसको अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है हर सूरत के अंदर। सो एज ही वाज, एज मौलाना वाज स्पीकिंग टू हिम, ही गेव अस हाफ एन आवर, बट वंस मौलाना स्टार्टेड स्पीकिंग टू हिम, वी स्टेड देयर फॉर 3 आवर्स। मुझे अपना टाइम याद आ गया, व्हेन वन ऑफ माय फ्रेंड्स केम इन टू मीट मी फॉर 5 मिनट्स, ही सेज आई एम गोइंग टू मीट यू फॉर 5 मिनट्स, ही सेड आई एम गोइंग टू कम एंड मीट यू फॉर 5 मिनट्स, वल्लाह ही केप्ट ऑन सिटिंग विद मी फॉर 3.5 आवर्स। So after the first meeting, he says, I have to meet you people again. Then we, the second meeting, first meeting we had in Mecca, the second meeting we had in Medina. So we went, he says, yes, from I'll meet you from 4 to 6. And then we kept sitting with him for 6 hours. And then I had to literally pick up Maulana. Maulana, please get up now. Please, I know, you know, it's like you're the lost love between Mauli Tariq Jameel Sahib and Amir Khan. I literally had to pick him up. But he was not letting Maulana leave. He was not letting us go. And I thought to myself, how much khair is there in every Muslim's heart? Haji? Later on, I'm narrating you Amir's karbizari is because later on I asked Maulana, I said, Maulana, we were sitting with him for 3 hours over there, and we sat with him for 6 hours over here. Koi Islam ki baat nahi suni abhi humne uske muh se. To Maulana ne kaha, abhi Islam uske andar ghusne to do pehle. Pehle Islam ghuse to sahi uske andar. To jab Maulana ne ye baat kahi, wo hamare saath namaz padhne ke liye aaye na, to aakar ek masoom bacche ki tarah puchne lage, ji Maulana, टोपी के बगैर नमाज पढ़ सकते हैं? कुर्बान जाए मौली साहब पर। हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, आप पढ़ें। तो उसका चेहरा खिल गया कि यार मैं टोपी के बगैर भी नमाज पढ़ सकता हूँ। टोपी के बगैर नमाज पढ़ी, फिर खुद ही उसके दिल में आई, लेकिन टोपी के साथ अच्छा लगता है। फिर वो गंदर गया, जाके उसने सर पर टोपी पहन ली। हाजी, तो मैं ये सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग दैट आफ्टर द सेकेंड विजिट I became jittery. Why weren't we talking to him about Islam? And then I thought to myself, look at Allah. Allah kitna kareem hai. Allah kitna kareem hai. Ki Allah Rabbul Izzat ne apne is bande ko bhi mauka diya ki tu aa mere paas. Aa aur apni sari zindagi ke gunah bakhshwa le. Isko bhi mauka diya Allah ne. Theek hai? Mujhe itni sharam aayi. Mujhe apna ekdam khayal aa gaya. कि ये तो अपनी मां को लेकर आया है और इसने अपनी मां को व्हील चेयर पर हज कराया है। हाँ जी, कितना खुशकिस्मत नौजवान है, मां को कराया इस तरह। हम सुनते हैं जी, आसान बात नहीं है, करके देखो तो तबीयत साफ हो जाती है। इतना रश, उसमें खुद चलना मुश्किल होता है कि व्हील चेयर को घसीट के लेकर जाना, यू नो, अल्लाह ब्लेस हिम। सो इतनी खैर थी उस नौजवान के अंदर, इतनी खैर थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, यकीन करो। وآله